एवरीबडी, भाई यूनिट 23 ऑफ ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन और उसकी मीटिंग, आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और वाकई में नॉलेज से भरी हुई है। इससे पहले देखते संगीता जी क्या कह रही हैं। देखिए एनवायरनमेंट में हमारे को सब कुछ नहीं था, हमने सत्यानाश कर दिया है। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं। तो चलिए आज पर्मा कल्चर की तरफ बढ़ते हैं और एक्वा प्लांट्स और उनकी हमारे गार्डन में क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम कौन कौन से एक्वा प्लांट्स लगा सकते हैं उनके बारे में जानते हैं अमिता गुप्ता जी से, जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अरे ये क्या, ये तो सबने मेरी खाद पकड़ी हुई है। और ये देखिए पोज करने में यूनिट 23 कभी भी पीछे नहीं रहती। भाई वेन्यू ही इतने कमाल का था और उसके बाद खाना पीना वो भी व्रत का, ओ माय गॉड, इट वाज जस्ट टू डिलीशियस। एंड हियर कम्स आवर स्वीट स्वीट होस्ट। और यहाँ पर पोजिंग लेवल अभी भी चल रहा है और आप बिलीव करोगे ये सारे एक्वा प्लांट्स हमारे स्पीकर ने अपने घर पर उगाए हैं, अपनी छत पर उगाए हैं। और अपनी ही छत क्यों, इन्होंने तो मेरी छत भी डेकोरेट करी है। जी हाँ, जो मेरा कॉर्नर था जहाँ पे सारे एक्वा प्लांट्स और ये एक फोकल पॉइंट बनाया था, ये इन्होंने ही डेकोरेट किया है। हाउ मच आई कैन थैंक हर फॉर डूइंग सो, क्योंकि सबने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो चलिए अब सुनते हैं हम उनका लेक्चर। अपने टेरेस या गार्डन में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अमिता जी लास्ट तक आपको ये बताएंगी कि ऑर्गेनिकली आप अपने प्लांट्स में ऐसा क्या डाल सकते हैं कि आपके प्लांट्स बहुत ब्यूटीफुली ब्लूम भी करें और साथ में आप उनको जब चाहें इंजॉय करें और अपने गार्डन को एक ब्यूटीफुल लुक दें। सो कीप लिसनिंग। सब जानते हैं कि जो वाटर प्लांट्स हैं, जैसे हम ऑल प्लांट्स लगाते हैं उसी तरह से वाटर प्लांट्स भी हैं। जितनी खूबसूरती हम प्लांट्स लगा के प्राप्त करते हैं उसी तरह हम वाटर प्लांट्स लगा के भी उतनी उससे भी ज़्यादा खूबसूरती प्राप्त करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लोटस जो है वो हमारा नेशनल फ्लावर है और वो उसकी जो खूबसूरती है वर्ड नोन है, उसको कहने की समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आज मैं आपको बताऊँगी, कुछ टिप्स बताऊँगी कैसे क्या करना है। तो देखा है अपने घर में प्रैक्टिकली कि अगर मेरे यहाँ 10 टब हैं तो किसी किसी टब में डेली पक्षी आके मॉर्निंग में स्नान करते हैं 4 बजे से, तो अगर मैं उसमें डेली पानी भरती हूँ तो 1 फीट पानी कम हो जाता है, क्योंकि सारे गिलहरियाँ और स्क्वेरल्स और के अलावा स्पैरोज और जो मैं देख भी नहीं पाती जिन्हें, लेकिन मुझे महसूस होता है कि वो पानी इतना कम हो गया है और वो उसमें आके बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह जो हैं वो उसमें स्नान कर रहे हैं। इवन कैट्स भी पानी पीती हैं जो प्लांट्स रखे होते हैं उसमें। आप देखो तो डॉग और कैट भी आके बहुत, जो उनके लिए पानी रखा होता है वो उसको नहीं पीते, जो प्लांट्स वाला पानी होता है वो उसको पीते हैं, क्योंकि वो उनके लिए एज अ मेडिसिन ट्रीट करता है। तो अभी हम जैसे आपको सबसे पहले थोड़े से वाटर प्लांट्स जो घर में इजीली यूज़ हो सकते हैं, इजीली हम लगा सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे क्या नाम है ये वाटर हाइसिंथ है। ये वाटर हाइसिंथ क्या है, हमारे इंडिया में हर गांव में हर विलेज में ये जोहड़ों में पाया जाता था। और जब इसकी फ्लावरिंग होती है बरसात के बाद, जब इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है, इतना सुंदर ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होता है कि पर्पल कलर का इतना सुंदर फ्लावर इसमें आता है कि उसको उसकी बखान नहीं किया जा सकता। देखने में इतना खूबसूरत होता है लाइट पर्पल कलर का और उसमें मोर पंख बने होते हैं हर एक पत्ती के ऊपर। फ्लावर जो है वो 6-7 इंचेस 8 इंचेस हाइट होती है उसकी और उसमें हर लीफ पे अलग अलग टेक्सचर मोर पंख का बना होता है, बहुत ही खूबसूरत। तो और लगाने के लिए इसको आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जोड़ में लगा होता था मिलता था, तो इसको कुछ भी आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको या तो इसको आप ऐसे ही पानी में डाल दें तब भी हो जाएगा, और या फिर आप अगर टब में लगा रहे हैं 1 इंच सॉइल डाल दें और सॉइल डाल के उसमें ये प्लांट डाल देंगे तो आपका ये प्लांट चलता रहेगा, फ्लावरिंग भी होगी। सिर्फ आपको अगर आप मिट्टी डालते हो तो आपको कोई भी न्यूट्रिशन डालने की भी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप मिट्टी नहीं डालते हैं तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। वाटर लेट्यूस है, ये वाटर लेट्यूस है,
इसमें नीचे आप देख रहे हैं ये इसमें रूट्स इसके जितनी हैं डेवलप हुई हुई हैं। इसको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको इसको पानी में एज इट इज डालना है और ये अपने आप ग्रो होता है। ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है इनका, और आफ्टर सम टाइम दे ऑल ऑक्यूपाई द ऑल स्पेस ऑफ योर पॉट। लाइक अगर आपने एक 2 फीट बाय 2 फीट का लिया हुआ है पॉट, तो ये 15 दिन में ही आपकी सारी जब ग्रोथ पे आती है तो सारा कवर कर लेती है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ वही 1 इंच 1.5 इंच आपने सॉइल डालनी है और उसमें पानी फिल करना है और फिर आप ये उसमें आपकी ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ये पैनी वर्ट है, क्या बोल रही है, देख रहे हैं आप पैनी वर्ट है। ये पैनी वर्ट पैनी की तरह से जैसे पैसे होते हैं उसकी तरह से ये इसकी शेप होती है लीफ की, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब आप मूव करेंगे तो यहाँ प्लांट में अगर हमने इस इन्हें पैनी वर्ट को डाला तो थोड़े टाइम के बाद में ये पैनी वर्ट इस बाउल के चारों तरफ अपनी पूरा इसको कवर कर लेते हैं राउंड में, और लीव्स जो हैं वो चारों तरफ लीव्स हो जाती है, नीचे वो सारी इसकी जड़ें फैल जाती हैं और ये इतना खूबसूरत लगता है भरा हुआ। अगर आप इसको आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो अगर आपने अपनी सेंटर टेबल पे रख दिया तो अपने आप में ही एक नेचुरल बुके आपका तैयार हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आप इसमें अगर पानी आपने ज़्यादा भी नहीं डाला तो सिर्फ 2 इंच की मिट्टी जो है, अगर 2 इंच की मिट्टी में ही आपने ये पैनीवट लगाई हुई है और 2 इंच पानी उतना ही है मिट्टी तक कवर किया हुआ है तो ऊपर तक भी नहीं भरा हुआ, तो आपका वो वर्क करेगा और उसको उसमें आपके मॉस्किटो भी नहीं होने के चांसेस है। तो उसको आप अपनी सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन उस टाइम के बाद में आपको इसको धूप में रखने की ज़रूरत पड़ेगी या ओपन एरिया में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इनसाइड बहुत कम चलते हैं सारे जो भी एक्वेटिक प्लांट है। अगर आपने आपके घरों में जो मनी प्लांट सबने लगाया हुआ होगा पानी में, सबके आप सबने देखा होगा कि मनी प्लांट पानी में चलता ही है, उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक हम उसको रखते हैं तो उसका भी डिटोरेशन शुरू हो जाता है, लीव्स पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं या उसको भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसी तरह से ये एक्वेटिक प्लांट का है कि अगर आप इन्हें बाहर ओपन में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। एक वाटर ग्रास है, इसमें वाटर ग्रास है, इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में भी मेरे यहाँ बहुत गमले में पूरा ग्रीन रहती है, 12 महीने एज इट इज़ ग्रीन रहती है, बहुत कवर कर लेती है, पूरा गमला भर जाता है, बहुत अच्छी चलती है। लेकिन अगर पानी में डालते हैं तो पानी में भी एक साइड में पूरा बंच बना लेते हैं और बहुत सुंदर चलता रहता है। इसके अलावा ये एक है हमारी ब्रह्मी, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मी, सबके घरों में हमारे किचन गार्डन ग्रुप में सभी के घरों में है मोस्टली ब्रह्मी। मैं इसके बारे में एक आपको बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो ब्रह्मी हमारी, जो ये पैनी वर्ट मैंने दिखाया था आपको, ब्रह्मी 2 तरह की है हमारे शास्त्रों के मुताबिक भी। ब्रह्मी जो आप देखते हैं कि ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है, आयुर्वेद में उसका बहुत गुणगान किया हुआ है। तो लेकिन जो हमारा ये पैनी वर्ट हमने देखा था, सेम वैसी शेप की दूसरी जो ब्रह्मी होती है वो सेम वैसे ही शेप होती है उसकी, इसको हम बेकोपा कहते हैं। जो मैंने अभी आपको दिखाया ये बेकोपा प्लांट बोला जाता है, इसमें भी वही गुण है जो ब्रह्मी में होते हैं, जो ब्रेन के लिए पावरफुल है। ये भी वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। और अगर हम देखें कि जो ब्रह्मी दूसरे वाली होती है वो टेरेस्ट्रियल होती है, 2-3 तरह की ग्रास होती है, जो कि ये मोस्टली एक्वेटिक प्लांट जो है ना फ्लोटिंग होते हैं। जो अजोला है वो फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है, ये सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। इसका नाम एक्चुअली मॉस्किटो फर्न कहलाता है, ये नॉर्मल भाषा में इसको मॉस्किटो फर्न कहा जाता है क्योंकि ये सरफेस को कवर कर लेता है पूरे, जिस भी प्लांट पॉट में आपने लगाया है वो पूरे पॉट को सरफेस को कवर कर लेता है। और फिर जो मॉस्किटो है या मॉस्किटो लार्वा वाटर के अंदर है वो इसको ब्रीथ नहीं कर पाते और रेस्पिरेशन ना होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इसके लिए ये अजोला जो है वो काफ़ी वर्क करता है मॉस्किटो से बचने के लिए। लेकिन इसके अलावा हम इसमें 2 तरह की, अजोला के अलावा एक और इसमें स्पीशीज होती है, उसे हम बोलते हैं डकवीड। ये डकवीड है, डकवीड है, इसमें कुछ लीव्स होती हैं, 2-3 लीव्स होती हैं और जड़ें होती हैं। तो फ्लावर के लिए जो लोटस और वाटर लिली, 2 चीज़ें घरों में अक्सर लगाई जाती हैं।
अब वाटर लिली जो है वो दो तरह की होती है, हार्डी और ट्रॉपिकल। इसी तरह लोटस भी ट्रॉपिकल और हार्डी होते हैं, लेकिन अभी मार्केट में बहुत से, क्योंकि लोगों का जो रुझान है वो ग्रो करने के लिए बढ़ रहा है, तो अभी हाइब्रिड वैरायटी के लोटस भी आ रहे हैं मार्केट में, जिन्हें कि आप एक छोटे से गमले में, बिल्कुल मग में भी आप उगा सकते हैं। तो वो हाइब्रिड वैरायटी है, उनको थोड़ा सा एक बार ही मेंटेन करना, थोड़ा सा शुरू में ग्रो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज लोटस और वाटर लिली ग्रो करना बहुत ईजी है। लोटस के लिए, वाटर लिली और लोटस को अगर हम किस तरह से पहचान करें कि वाटर है, वाटर लिली है या लोटस है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अभी भी मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि ये लोटस है या वाटर, ये लोटस है, ये लोटस है, तो नहीं, ये लोटस और वाटर लिली के लिए आपको फुल डे सनलाइट होना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 5 to 6 hours सनलाइट होना बहुत जरूरी है, ओपन में होना चाहिए, तो सनलाइट पूरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ फ्लावरिंग में थोड़ी सी थोड़ा कम फ्लावरिंग होती है। दूसरा ये कि हम वाटर लिली और लोटस को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लोटस है या वाटर लिली है, बहुत ईजी है। अगर हम लोटस को देखें तो लोटस, ये लोटस का ट्यूबर है, आपने कई बार ही जगह देखा होगा, और ये क्या है कि घर में हम कमल ककड़ी भीस जो यूज़ करते हैं, जानते हैं सब, हाँ सबने सुना है, भें, भें की सब्जी खाई होगी सबने, तो वो ये ही होता है। लेकिन वो क्या होता है कि वो बहुत बड़े पॉन्ड में, जो अगर आप देखें तो बिहार में या में और आसाम वगैरह में तो नहीं है बहुत, लेकिन अपने हरियाणा में भी बहुत है, जोड़ों में बहुत होते हैं, कमल होते हैं, ऐसा नहीं होते। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है, और ग्रोथ जो होती है वो खाने के हिसाब से, और जो कमल का लीव निकलती है, फ्लावर निकलता है, उसमें भी जो स्टेम होता है उसको भी यूज़ किया जाता है खाने के लिए, हर एक पार्ट जो है लोटस का वो यूज़ होता है खाने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें वो पूरे पॉट में जो उगाया होता है वो एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये हमारे जो घरों में हम लगाते हैं, तो उसके लिए हमें ये देखना जरूरी होता है कि इसके दोनों तरफ जो है ये नॉट्स जो होती है ये दोनों तरफ होनी चाहिए। इससे अगर हम इसको पानी में डालते हैं तो फिर 10-15 दिन के अंदर कुछ रूट्स ग्रो होती हैं, रूट्स ग्रो होने के बाद में ये लीव्स निकालने शुरू करता है, और लीव्स बड़ी होने के बाद में फिर फ्लावरिंग होती है। तो इसका एक सिम्टम ये होता है कि जब इसकी लीव्स बड़ी होके ऊंची होके प्लांट आपके पॉट से ऊपर 1-2 feet ऊपर आ जाए, उसके बाद फ्लावरिंग होगी 15 दिन के बाद में। तो इसकी पहचान क्या है वाटर लिली से, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये बहुत थिन होती है और पेपरी होती है लोटस की लीव जो होती है, और लोटस की लीव जो होती है बिल्कुल लाइट कलर की, सरफेस जो है उनकी इतनी स्मूथ होती है कि उसके ऊपर अगर आप पानी की ड्रॉप डालते हैं तो वो ड्रॉप एज इट इज आपको दिखती है, लेकिन अगर वाटर लिली पे पानी होता है वो ठहरता नहीं है, वो निकल जाता है। तो लोटस और वाटर लिली में एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि उसकी लीव जो, इसकी लीव जो होती है वो बिल्कुल सरफेस जो है उनकी स्मूथ होती है। दूसरा ये कि लोटस की लीव में कहीं भी कट नहीं होता, कोई भी चारों तरफ से पूरी लीव जो है वो कवर करे हुए, बीच में एक स्टॉक होता है और उसके ऊपर एक लीफ आती है। लेकिन वाटर लिली में जो होती है वो जो लीव है आपकी बीच में एक साइड से कटी हुई होती है, और उसमें भी दो तरह की वाटर लिली होती है, ट्रॉपिकल और हार्डी। हार्डी में जो होती है सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है, उसकी पत्तियाँ जो है काफ़ी हार्ड होती हैं। ट्रॉपिकल की हम देखते हैं तो उसकी लीव जो होती हैं बिल्कुल पतली होती हैं, और उसमें जो उसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी वेवी होती है, वेवी होने की वजह से वो डिफ्रेंशिएट करते हैं उसे हार्डी और ट्रॉपिकल। जिसमें दोनों साइड से पूरा फूल है तो अब वो आप लगा सकते हैं, मैंने प्रैक्टिकली किया है, खूब किया, मैं 10 साल से इसी पेड़ में लगी हुई हूँ। ऐसे अक्टूबर तक का होता है फैब में, आफ्टर डॉर्मेंसी ये जो वाटर लिली और लोटस हैं ये ब्लूम करना शुरू करते हैं, और फिर ये ट्यूबर्स बनाते हैं। अगर हम मार्च में इन ट्यूबर्स को अलग अलग कर दें तो हम एक ही प्लांट से 20, 50, 100 जितने भी उसमें बने हुए हैं उतने प्लांट्स ले सकते हैं।
बहुत इजीली, बहुत काम थोड़ा सा हेक्टिक होता है, थोड़ा एफर्ट वाला होता है, बाकी इसमें और कोई ऐसा लूप होल नहीं है, आप उससे अपना ले सकते हैं। उसमें आप उसको अगर फरवरी में या मार्च में लगा देते हैं तो जितनी जल्दी आप लगाते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के सेकेंड वीक में आपकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जितना लेट करते हैं उतना वो टाइम आपका फ्लावरिंग के लिए लेट होता चला जाता है। टेम्परेचर जो है वो वाटर लिली अगर हार्डी है तो उसके लिए आपको 27 डिग्री तक कंफर्टेबल होता है, 10 डिग्री से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर कंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल ले रहे हैं तो वो 35 डिग्री तक भी बहुत उन्हें देख रहे हैं। और बहुत उसमें ट्रॉपिकल में बहुत कलरफुल वैरायटी होती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे दिल्ली क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा सूटेबल है, हम उन्हें बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और जो इसका उगाने का मेन तरीका जो है उसके लिए हमें सिर्फ ये है कि थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सपोज़ आपने ट्यूबर ऑर्डर कर दिए हैं, फेसबुक पे आपने ऑर्डर डाल दिया है, तो आप अपनी तैयारी पहले से शुरू कर लें। एक टब में आप अगर आपकी टब 10 इंच वाली है और उसका 2x2 का डायामीटर अगर है, 24 इंच का डायामीटर अगर है, तो आप उसमें 2 इंच वर्मी कंपोस्ट पहले डाल दें और उसके ऊपर चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी दिल्ली में अगर आपको कहीं भी नर्सरी में जाएंगे या कहीं भी खुदाई हो रही है तो वो चिकनी मिट्टी है, वो सफिशियंट है, आप उसको डाल सकते हैं। आप नर्सरी से लाके कोई भी मिट्टी डाल सकते हैं, बशर्ते कि उसमें बहुत ज़्यादा दोमट ना हो, सैंड ना हो। और उसमें आप अगर अवॉइड करें गोबर की खाद तो बेस्ट है, क्योंकि गोबर की खाद में न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, प्लस उसमें जो सीड्स या जहाँ से भी वो आई है उसमें बहुत सारी खरपतवार, बहुत सब उसमें अपने आप उगने लगती हैं, तो वो प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए आप तो कोशिश करें कि वर्मी कंपोस्ट पहले डाल दें, उसके बाद में चिकनी मिट्टी डालें। चिकनी मिट्टी डालने के बाद में आपने ट्यूबर या बल्ब, हार्डी और ट्रॉपिकल में बल्ब और ट्यूबर का भी डिफरेंस होता है, लोटस में सारे ट्यूबर्स होते हैं लेकिन वाटर लिली में बल्ब, कुछ बल्ब से होते हैं, कुछ ट्यूबर होते हैं। तो जो भी आपको लगाना है वो आप उसमें मिट्टी को पहले डाल के और उसको पानी को भर के रख दें ताकि जो उसकी गर्मी है वो शांत हो जाए। तो जितना आप उसको लंबे टाइम तक रखते हैं, हफ्ता, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, जब तक आपके ट्यूबर आते हैं, आप उसको एज इट इज छोड़ दें, उसको रहने दें, उसको खुले वातावरण में रहने दें। और फिर जब आपका ट्यूबर या जो भी बल्ब आता है उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको भी आपको फ्रेश वाटर में रखना है। पहले अगर आपके पास, आप अर्ली स्टेज पे अगर फरवरी में ही मंगा लेते हैं या मार्च में ही मंगा लेते हैं तो आप उसको हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए एक सिंपल पानी में, प्लेन पानी में डाल के और खुले एरिया में रख दें ताकि उसमें जो है जड़ें निकल आएँ। जब उसमें जड़ें निकल आएँ और लीव्स जो हैं वो बढ़ के पानी की सतह तक आने लगें तब आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने पहले से लगाए डाली हुई मिट्टी और पानी में। उससे वो प्लांट आपका जल्दी ग्रोथ करेगा और उसके मरने के चांसेस बिल्कुल नील होंगे, वो अच्छी तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा उस कंडीशन को, और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो जल्दी, बहुत जल्दी ब्लूम भी करेगा। और इसके लिए जो आपको कंपोस्टिंग करनी होती है, जो आपको न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं, बहुत सिंपल है। DAP आप दे सकते हैं और NPK, NPK में सिर्फ आपको PK देना है। मैं अपने प्लांट्स में कभी भी DAP या NPK देना ठीक नहीं समझती। मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे पता चला कि NPK PK देना है, PK मीन्स पोटेशियम और फॉस्फोर, तो हमने सर्च किया कि हमें पोटेशियम और अपने प्लांट्स को देने के लिए हम कहाँ से ले रहे हैं। हम केले के छिलके से ले रहे हैं, अदरक और प्याज के छिलकों को जो पानी हम रखते हैं वो पानी से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो मैंने ये किया प्रैक्टिकली कि मैंने उनका पानी जो है वो अपने प्लांट्स को दिया जब वो ब्लूमिंग स्टेज पे थे और मैंने ये देखा कि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैंने और कुछ ना डाल के सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स के पानी और जो भी हम अपने प्लांट्स को देते हैं उस तरह से मैंने
वाटर प्लांट्स को भी दिया और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा वर्क करता है। कुछ डिसीजेज आती हैं, कुछ पेस्ट, कुछ एफिड्स कुछ आते अटैक करते हैं, तो वो भी इन्हीं के थ्रू नीम का पानी यूज करके या फिर ये सब अनियन और अदरक और ये सब का पानी डाल के या हम इसको बचाव कर सकते हैं।